माननीय कोर्ट और न्यायालय और न्यायाधीश के संरक्षण में जब जांच प्रक्रिया पूरी होगी और राधा मोहन जी को रिलीज किया जाएगा और जांच में सहयोग करेंगे, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो सबसे पहले जरूरत यह कि राधा मोहन जी को रिलीज किया जाए, माननीय कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और दूध का कुछ नहीं होगा कि इनसे इनसे रात भर मच्छर मरवाना चाहिए, लेटरिन साफ करवाना चाहिए, मैखाना साफ करवाना चाहिए, इनसे रोड साफ करवाना चाहिए। अरे साला सैलरी तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सैलरी तो मिलेगा। जब सैलरी मिलेगा तो तुम घर पे बैठ के जो है मलाई काहे चापोगे बे? तुमको तो आकर रोड साफ करना चाहिए, नाली से पानी हटवाना चाहिए, गटर साफ करवाना चाहिए, नगर नरक निगम का काम करवाना चाहिए इनसे। रक्सौल में बहुत गंदगी है, घिसीट घिसीट का मारा जाता है लेकिन अभी तक उसका सुनवाई नहीं होता है। सबसे पहले मेरा एक सवाल रहेगा हमारे रवि भट्ट जी से कि आज तक नेता मौन क्यों है? क्योंकि आज चौथा दिन हो गया धरना और ठीक मंगलवार को इसी समय में चर्चा हुआ था और आज भी मंगलवार है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। तो रवि भट्ट जी ये बताइए कि यहाँ के 3 सांसद हैं और 12 विधायक हैं, वो जीवित है कि ना? सब नामर्द हैं, सब नामर्द हैं भाई, हंस के बोल रहा हूँ, नामर्द हैं, हंसी भी आ रही है कहने में। ये देखिए मजाक का बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल से सब नामर्द हैं। अगर मर्द के रूप में इनके बाप ने मर्द पैदा किया होता तो आके धरना स्थल पर बैठकर जो है लोगों आर्मी के जवान का जो है इंसाफ के लिए आवाज उठाते। तो मर्द है ही नहीं तो कहां से आएंगे बताइए ना? आएंगे मर्द तो आप है ही है, वो है वो है, बहुत सारे लोग हैं मर्द तो आए हुए हैं, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन मर्द के रूप में मर्द इसीलिए आए हैं। नामर्द लोग नहीं आते, नामर्द ग्राउंड और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो चर्चा मत कीजिए, नेताओं की बात मत कीजिए, हमको बड़ा घिन आता है इनसे। अच्छा आपने नेताओं की बात कही, बहुत अच्छे लगा मुझे, मुझे खास करके अच्छा लगा क्योंकि ये 7 रोज की मुहिम में 2 व्यक्ति हम लोग रंग लगाए हैं जिसका आज नतीजा है कि धरना चल रहा है लेकिन अभी तक हम लोग उसको रिहा नहीं करा पाए, जिसका नाम है राधा मोहन। लेकिन रह गई बात की आप यहाँ के प्रशासन को, खास करके मोतिहारी जिला के प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? मोतिहारी के प्रशासन बहुत अच्छी है लेकिन उसमें कुछ बेईमान लोग हैं जो उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जैसे जितेंद्रवा यही बदनाम कर रहा है मोतिहारी प्रशासन को। बाकी मोतिहारी प्रशासन मैं इतना दावे के रवि भैया थोड़ा रोकूंगा क्योंकि मेरा भी नाम जितेंद्र ही है। तो आप जितेंद्र जी हैं, वो जितेंद्रवा, यही तो फर्क है उसमें और आप में। वो जितेंद्रवा है और आप जितेंद्र जी हैं, और नए जितेंद्र जी हैं तो जितेंद्र तो हैं लेकिन वो जितेंद्रवा है और वही प्रशासन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज के कुछ महीना पहले, एक महीना पहले हमने एक बच्चा को पकड़ा था शराब बेचते हुए छतौनी में और प्रशासन ने संज्ञान लिया। यार मैं बहुत अच्छा मानता हूँ मोतिहारी प्रशासन को, संज्ञान लिया वहां पर, प्रशासन आई और दूसरे दिन पता चला कि वहां पर जब्ती होने लग गई। तो मैं प्रशासन का दोस्त नहीं कर सकता हूं लेकिन जितेंद्रवा के रूप में कुछ हैवान बैठे हैं प्रशासन में जो प्रशासन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बाकी जितेंद्र भाई, जितेंद्रवा को सजा मिलनी चाहिए, बस इतना कहता हूं मैं। रवि भाई एक और सवाल आपसे करूंगा कि अभी विवाह हुआ है 1 महीना पहले, और उस पत्नी को, पति को जेल में जब देख रही है तो क्या बीतता होगा उसके दिल पे? देखिए एक परम सत्य है, जेल गए हुए हैं, सबको स्वीकारना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि गए क्यों हैं? गए अगर वो रेप किए होते तो जाते तो ठीक था, मर्डर किए होते तब जाते तब ठीक था, किसी का घर फूंक दिए होते तब जाते तो तब ठीक था, किसी का चीर हरण कर लिए होते तब जाते तब ठीक था, आतंकवादियों से हाथ मिला लिए होते तब गोली मार देते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, आतंकवादियों से जो है सहगांठ कर लिए होते तब भी कोई फर्क। दुर्भाग्य है कि एक छोटा सा जो है साइड मिरर से कुछ हो जाता है, इसके बाद एक झूठी FIR लिखी जाती है, झूठा एक्सरा बन जाता है और उसमें आप लोग जो है जेल भेज देते हैं। जेल हमको तब भी दिक्कत नहीं था, सलाम मारते हो यार, मारने वाले आप कौन होते हो, मारे क्यों, ये सवाल है ना। तो मारोगे तो मारेंगे ऐसा कि जो है मुंह का चिथड़ा बिगड़ जाएगा, तो इस तरीके का जो है मारने से हमको दिक्कत है, जेल भेजने से नहीं। जेल क्यों भेजा गया ये सवाल, ये जांच का विषय आप भेज देते, लेकिन माँ बहन की गाली देना, थप्पड़ मारना, आर्मी को अपमानित करना, ये एक राधा मोहन को अपमानित नहीं किया गया, पूरे आर्मी के जवान को अपमानित किया गया, पूरे आर्मी कैडर को अपमानित किया गया। तो ये चीजें हमको बुरी लगी जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। रवि जी अभी एक आज ही मुझे 2 बजे करीब एक लड़का ने फोन किया था कि जिसका घटना है उसने FIR नहीं किया है, हाँ। थाना ने जबरदस्ती उस गांव के दूसरे व्यक्ति से FIR करवाया। देखिए हो सकता है कि उस इंसान ने, उसके अंदर यार मर्यादा हो सकती है, इंसानियत हो सकती है, सोचा होगा कि अरे चलिए हम केस वापस, लेकिन अब केस वापस अगर वो लेना भी चाहेगा ना सर तो ये सब लेने नहीं देगा पुलिस वालों को, लोग जानते हैं काय फजीहत हो जाएगा। हो सकता है कि जबरदस्ती धारा लगवा दिया गया हो, तो ये जांच का विषय, जांच कौन करेगा?
माननीय कोर्ट और न्यायालय और न्यायाधीश के संरक्षण में जब जांच प्रक्रिया पूरी होगी और राधा मोहन जी को रिलीज किया जाएगा और जांच में सहयोग करेंगे, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो सबसे पहले जरूरत यह है कि राधा मोहन जी को रिलीज किया जाए, माननीय कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। एक मेरा सवाल है कि हर पदाधिकारी जब गलती करता है पुलिस डिपार्टमेंट लाइन में तो उसको स्क्रिप्ट कर दिया जाता है लाइन हाजिर। लाइन हाजिर का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब होता है लाइन खींच कर हाजिर कर देना। ऐसा लाइन हम तीन को मिटाते रहते हैं दिन भर। देखिए लाइन हाजिर मतलब होता है चूतियापा होता है। लेकिन समझिए ये कि लाइन हाजिर से किसी का भला नहीं। लाइन हाजिर जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तुम भुला लोगे उसको। लाइन हाजिर से कुछ नहीं होगा कि इनसे रात भर मच्छर मरवाना चाहिए, लेटरिन साफ करवाना चाहिए, मैखाना साफ करवाना चाहिए, इनसे रोड साफ करवाना चाहिए। अरे साला सैलरी तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सैलरी तो मिलेगा। जब सैलरी मिलेगा तो तुम घर पे बैठ के जो है मलाई काहे चापोगे बे? तुमको तो आके रोड साफ करना चाहिए, नाली से पानी हटवाना चाहिए, गटर साफ करवाना चाहिए, नरक निगम का काम करवाना चाहिए इनसे। रक्सौल में बहुत गंदगी है, जितेंद्रवा को वहां लगाना चाहिए। बात सही है। लास्ट में मैं एक सवाल और करूंगा कि अभी तक रक्सौल के पदाधिकारी ने उस मामला को अभी तक संज्ञान में नहीं लिया ताकि जिला यहां से कुछ करे, ना वहां से अपना डायरी भेजा है और ना ही पीड़ित परिवार का FIR लिया। सबसे बड़ी बात है कि अगर पुलिस जहां फंसती है वहाँ रफा दफा करवाने के लिए काउंटर केस करवा देती है, लेकिन यहाँ पुलिस ने पहले ही फंस गई है इसलिए काउंटर केस नहीं हो रहा है। उनको मारा गया ये भी कानूनी अपराध है। राधा मोहन जी को मारा गया है ये कानूनी अपराध है, तो इसका भी FIR लिखना चाहिए। तो हम तो आग्रह करेंगे पीड़िता के वाइफ से और उनके परिवार वालों से कि वो काउंटर केस फाइल करें प्रशासन के ऊपर और पार्टी बनाए जितेंद्रवा को ताकि वो जो है जेल में जा सके। जेल के अधिकारी जो है सच में अधिकारी मतलब वो अधिकारी नहीं, जेल के अधिकारी जितेंद्र है उसको पूछे। मैं शुरू से देख रहा हूँ कविराज जी और आप इस मामले को इतना लेकर आए हैं और आप दोनों लोगों के कारण ही ये चीज हो पाई, हम लोग आ पा रहे हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं होता और सारी बातें दबी के दबी रह जाती। सच्चाई दब जाता और किसी को मालूम नहीं चलता। जी सही कह रहे हैं।